तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बिस्किट बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं इसकी रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को ये मेरी रेसिपी समझ में आएगी। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बर्तन ले लेना है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। डोंगा हम यहाँ पर ले लिए हैं, इसमें हम मैदे को डाल देंगे। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक कटोरी आप किसी भी एक कप से अगर मैदा ले रही हैं तो आधा कप उसका सूजी रहेगा। यहाँ पे मैंने सूजी भी ले लिया। सारे सामान को डाल देते हैं फटाफट से। तो ये हम सफ़ेद तिल को भी डाल देते हैं फ्रेंड्स। सफ़ेद तिल बहुत ही खाने में भी टेस्टी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है ये तिल। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है बिस्किट वगैरह में। और ये अब हम ले गरी को भी, आप इसके जगह चाहे तो बुरादा भी डाल सकती हैं। अगर आपको कट करके नहीं डालना है तो आप गरी नारियल का बुरादा भी डाल दीजिएगा। अब इसमें हम घी डाल देंगे, तो घी सारा नहीं डालेंगे एक बार में, थोड़ा थोड़ा डालकर पहले देख लेते हैं, इसे मिला लेते हैं। तो देखिए जब इसे हम ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा, जब ऐसे आटे जो है बिल्कुल अच्छे से बन जाए तब समझ लीजिए अब घी की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें हल्का हल्का पानी डालकर आटे को तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, आपको दिखाएंगे, देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल जो है आटे जो है ये बिल्कुल दो हमारा तैयार है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी डाला हुआ है। तो सूजी को 2 मिनट टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आटे को जो है हम ले लेते हैं बड़ा बड़ा साइज का, इतना बड़ा कर लेंगे, इसे गोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रख के अब इसे हमें बेल लेना है। थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे बनाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा कर लेंगे। तो रोटी तैयार है, हम बेलकर इसे ऐसे रेडी कर लिए हैं। अब आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो भी, या छोटा प्लेट हो, ग्लास हो आपके पास तो वो भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसके बराबर बिल्कुल इसके साइज का कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे घुमाएंगे और तेज से कट कर लेंगे। तो ऐसे ही जितना हो सके उतना कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मेरा 3 बिस्किट बन रहा है एक बार में, देखिए। अब हमें निकाल लेना है, तो साइड साइड का हम क्या करेंगे हटा देंगे, ऐसे हटा दीजिए। और जो बिस्किट कट किए हैं उसे हम निकाल लेंगे, देखिए कैसे ये सारे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे को जो है बिस्किट बना लिए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये देखिए सारे बिस्किट बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम तलना स्टार्ट करते हैं। तो घी यहाँ पे हमने पहले से रख दिया है फ्रेंड्स गर्म होने के लिए। अब हम जो है बिस्किट को तलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ले लेंगे और काटा चम्मच ले लीजिए आप, और इसमें हल्का सा डिजाइन बना दीजिए। इससे भी जो है बहुत ही अच्छा ये बिस्किट लगेगा देखने में। ये देखिए चारों तरफ से ऐसे कर देंगे, हल्का डिजाइन आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब हम एक एक करके तलना स्टार्ट करते हैं। तो गैस का फ्लेम बहुत तेज नहीं करना है, गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। घी पहले से गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो सारे बिस्किट को ऐसे हम डाल,
तो देखिए ये हो गया है फ्रेंड्स, इसे अब हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है बिस्किट। तो सारे बिस्किट को ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिस्किट बन के रेडी है, देख सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया ये बिस्किट। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ही कम मतलब सामान लगते हैं, कोई भी सामान ज़्यादा नहीं है। मैदा है और सूजी आप डाल दीजिए और मोइन डालना है बस, और उसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। और आप बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट अपने घर पे आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने दो साइज़ का बनाया है, एक तो मैंने छोटा दिखाया आपको और एक इतना बड़ा किया है। तो आप जो भी साइज आपको पसंद है आप उस साइज का बना सकती हैं। तो अभी बहुत गर्म है ये देखिए, इसे फटाफट रख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल तैयार बिस्किट। तो देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये देखिए आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कितना बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी ये गर्म है, इसे आप टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए और आप इसे महीनों खा सकती हैं, बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। और गेस्ट भी आए तो आप उन्हें खिला सकती हैं। बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।